दोस्तों, जैसा कि आज है 12 तारीख, आज से 3 दिन बाद पेटीएम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी बता दें, आरबीआई ने जो है भी स्ट्राइक लगाई थी पेटीएम के ऊपर, जैसे कि आरबीआई का जो है रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा था। इसके बाद जो भी इशू था, इसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने डायरेक्टली बोल दिया था कि आपकी कई सर्विसेज जो है 15 तारीख के बाद बंद हो जाएंगी, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके बाद फास्टैग, इसके बाद वॉलेट, यानी इतनी चीज़ें हैं जो कि बंद हो जाएंगी। तो काफ़ी लोग 15 तारीख के बाद भी यूज करना चाहते हैं और यूट्यूब पर ढेर वीडियो को रिसर्च कर रहे हैं कि इसे किस तरीके से 15 तारीख के बाद भी यूज किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी पेमेंट फंसा हुआ है, उसे किस तरीके से निकालें या फिर किसे यूज करें, या फिर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं पेटीएम के थ्रू ही उसे किसी के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसका भी ट्रिक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिखा दें, पेटीएम ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेटीएम इंपॉर्टेंट अपडेट, कौन कौन सी चीज़ें चलेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, रिचार्ज एंड पेमेंट्स, यानी कोई भी रिचार्ज या फिर पेमेंट्स बिल, यानी इलेक्ट्रिक बिल, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पर आल्सो वर्किंग रहेंगी, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं, सभी चलेगी। टिकट बुकिंग भी चलेगा, टिकट बुकिंग कोई भी मूवी टिकट या फिर कुछ भी ATC, आप ट्रेवल टिकट कुछ भी आप बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं। और साउंड बॉक्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस यही है कि आपका जो पेटीएम का साउंड बॉक्स में जो भी आपने मर्चेंट अकाउंट बनाया था, उसमें अपना जो है अकाउंट चेंज करवा लीजिएगा, जो आपका जैसे यूनियन हो गया, अदर बैंक का अकाउंट है, उसे चेंज कर लीजिएगा, ना कि पेटीएम बैंक का अकाउंट रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 15 तारीख के बाद उसमें क्रेडिट नहीं होगा। इसके बाद वॉलेट की बात करें, जितने भी आपके वॉलेट में जो भी पैसे हैं वो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्रेडिट नहीं होगा 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख के बाद काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वॉलेट को, तो जितने भी पैसे रहेंगे वो आप किसी के साथ सेंड कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी होगा क्रेडिट होगा, लेकिन जो है डेबिट नहीं सकते, लेकिन दे सकते हैं। ठीक है, अपने तरफ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी लिखा हुआ है कि आप 15 तारीख के बाद भी भेज सकते हैं। अगर आपको 15 तारीख या फिर 2-3 महीने आपको पेटीएम वॉलेट यूज़ करना है, तो उसमें आप 50,000-60,000 रख लीजिए, इसके बाद किसी के पास सेंड करते रहिए, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फास्टैग भी यूज़ करना चाहते हैं साल 2 साल, तो आप महीने में कितनी बार आप कहाँ पर जा रहे हैं उस हिसाब से अपना पेमेंट देख लीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, उतने का रिचार्ज करा ले लेना है, यानी पेटीएम, आप पेटीएम फास्टैग में उतना ऐड कर लेना है, यानी रिचार्ज कर लेना है, आपका चलता रहेगा उस 15 तारीख के बाद, बस यही कि रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फास्टैग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अब इसी तरीके से पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पर पेमेंट बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी RBI की तरफ से कुछ सेफ्टी इशू बताकर यहाँ पर इसको बैन किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो यानी कि 15 तारीख के बाद कोई भी आपका जो भी होगा, यानी क्रेडिट नहीं होगा, आप विड्रॉल कर सकते हैं 15 तारीख के बाद भी, यानी कि जो भी पैसे हैं किसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको 15 तारीख के बाद भी पेटीएम बैंक को यूज़ करना है, तो ढेर सारे पैसे ऐड कर लीजिए और इसे यूज़ करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसी तरीके से एक्सक्लूसिव जो ट्रिक था, इसी तरीके से वर्क करेगा, कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं जो है इंस्टॉल करनी है, कि ऐसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, VPN इंस्टॉल कर लीजिए, आपका चलेगा, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, नहीं तो आपका मोबाइल फ़ोन भी हैक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें UPI भी चलेगा। आप UPI में जाकर दूसरा बैंक लिंक कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर अपना बैंक यूनियन बैंक लिंक किया है, तो मेरा UPI चलेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ से